हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लीच कैसे करते हैं। ये मैंने ली है स्ट्रॉबेरी की डायमंड ब्लीच। डायमंड ब्लीच करने के लिए या कोई भी ब्लीच करने के लिए हमें करना क्या है, इसमें ये क्रीम आती है और ये एक्टिवेटर है। डायमंड ब्लीच जब भी हम करते हैं, हम किसी भी स्किन पे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं अपने पार्लर में भी ज़्यादातर यही वे ब्लीच यूज करती हूँ। तो इसको लेने के लिए हम एक कटोरी में, बाउल में क्रीम को निकाल लेंगे जितनी एक फेस के लिए निकलती है। उसके बाद एक्टिवेटर लेंगे। एक फेस के लिए हमें कितना एक्टिवेटर लेना है ये मैं आपको बता रही हूँ। इतना, एक चने के दाने के बराबर हम लोगों को एक्टिवेटर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लोगे तो फेस पे रैशेस आ जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। इतना लेने के बाद हम उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बालों को जो ब्लीच होती है वो बालों को ब्राउन कर देती है, आपके स्किन के कलर में मैच कर देती है। तो हम उतने टाइम रखेंगे जितने टाइम में हमारे जो हेयर हैं, फेस के हेयर हैं, वो फेस की स्किन के मैच में आ जाएं। तो किसी किसी के फेस पे 15 मिनट रख सकते हैं, किसी के फेस पे 20 मिनट भी रख सकते हैं। हमें करना क्या है, पूरे फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम फेस को वॉश करेंगे अगर हम घर पे ब्लीच कर रहे हैं। अगर आप लोग घर पे ब्लीच कर रहे हो तो घर पे ब्लीच करने के लिए आपके पास अगर क्लींजिंग मिल्क या एस्ट्रिजेंट नहीं है तो आप फेस वॉश करके फेस को टॉवल ड्राई करें, बालों को हेयर बैंड से पीछे करें, उसके बाद पूरे फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर दें। ब्लीच को मिनिमम 15 मिनट तक रखना ही है। अगर 15 मिनट में भी आपके हेयर फेस के स्किन के मैच में नहीं आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, और टाइम के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद फिर से एक बार चेक कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद फिर से उसको ब्लीच को हम हटा देंगे। ब्लीच हटाने के बाद आपको स्किन ऐसे ही नहीं छोड़नी है, हमेशा ध्यान रखना है कि स्किन को ऐसे नहीं छोड़ना है। स्किन को ब्लीच करने के बाद स्किन को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, स्किन के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना क्या है, ब्लीच करने के बाद आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, कोल्ड क्रीम हो या फिर एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। कोल्ड क्रीम भी नहीं है तो एलोवेरा जेल लेकर उसकी 2-3 मिनट तक मसाज कर दीजिए बहुत अच्छे से फेस को। बहुत हल्के हाथ से अच्छे से फेस को मसाज देंगे। उसके बाद आपके पास जो भी फेस पैक है, अगर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगा दीजिए, सूखने पर उसको बहुत हल्के हाथ से उतार दीजिए और आपका फेस ग्लो करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी स्किन का कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो ओनली डायमंड ब्लीच ही फेस पर अप्लाई करें। और फेस पर ब्लीच करने के बाद उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, फेस पे मसाज देनी है किसी भी चीज़ की, या तो एलोवेरा जेल की या फिर कोल्ड क्रीम की, या फिर आपके पास अगर फेस मसाज क्रीम है तो उससे भी मसाज दे सकते हैं। उसके बाद फेस पैक आपको लगाना ज़रूरी है। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।